सब्सक्राइब कीजिए M24 न्यूज़ और दबाएं बेल आइकन सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। दिल्ली में एक अखबार के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, मुझे पता है और मैं इसे भली भांति जानता हूं कि जो कदम मैं उठा रहा हूं, जिस रास्ते पर मैं चल पड़ा हूं और देश को जिस मंजिल पर पहुंचाने का मकसद लेकर निकला हूं, इसकी कितनी बड़ी राजनीतिक कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी, इसका मुझे भली भांति अंदाजा है। पीएम मोदी ने आगे कहा, बड़े और स्थायी परिवर्तन ऐसे ही नहीं आते, उसके लिए पूरे सिस्टम में बदलाव करने पड़ते हैं। जब ये बदलाव होते हैं तभी देश सिर्फ 3 साल में इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 142 से 100वें स्थान पर पहुंच जाता है। आपको बता दें, गुजरात में चुनावी माहौल के बीच विपक्ष नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े कदमों को लेकर सरकार की आलोचना कर रहा है। कांग्रेस ने जहां जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स और ग्रेट स्टूपिड टैक्स जैसा नाम दिया है, तो नोटबंदी को आरोप लगाया है कि सरकार ने देश को लाइन में खड़ा कर दिया। अब देखना होगा पीएम मोदी के इस बयान के बाद गुजरात इलेक्शन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए M24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।